जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार कुल देवता, लोक देवता और ग्राम देवताओं को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में लगभग सभी लोक देवताओं, ग्राम देवताओं, कुल देवताओं आदि के बारे में जानकारी दूंगा। इसकी एक सीरीज शुरू करूंगा और आशा भी करूंगा लोगों से कि वे अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवताओं की पूजा फिर से शुरू करें। इस बारे में जानकारी देने से पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपको मालूम है कि आपका कुल देवता कौन है, लोक देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है और ग्राम देवता कौन है? मेरा मानना है कि अधिकतर लोगों को अब इसकी जानकारी नहीं होगी। वैदिक और पौराणिक देवताओं गणेश जी, माँ भगवती, भगवान विष्णु, शिव जी, हनुमान जी, यहाँ तक कि शनि महाराज आदि के नाम तो सभी को मालूम है, परंतु दुख की बात है कि हम अपने उन कुल देवताओं को भूल गए या भूलते जा रहे हैं जिन्हें हमारे पुरखों ने, पहाड़ के लोगों ने सदियों तक उन्हें याद किया और पूजा और जिनके विश्वास पर वे जीते रहे। विशेष तौर पर शहरों में रह रहे लोगों ने तो अपने कुल देवता, लोक देवता और ग्राम देवताओं को विस्मृत कर दिया है। श्री गणेश, माँ दुर्गा, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी से लेकर शनि महाराज आदि भगवान तो हमारे पूजा घरों में सम्मान के साथ विराजमान है, परंतु कभी सोचा कि दुधिया नरसिंह, डोंडिया नरसिंह, भूमिया देवता, नरंका, नाग देवता, सिद्धि देवता, बधवान देवता आदि स्मरण में है कि नहीं? एक बात यह भी बता देता हूँ, उत्तराखंडी समाज को अपने कुल देवता इतने प्रिय थे कि लोगों को अपने अंतिम समय अपने कुल देवता की भी पूजा की चिंता रहती थी। जिन लोगों की बेटियां ही होती थी वे अपने कुल देवता को अपने साथ बेटियों को ले जाने का आग्रह करते थे और वे ले भी जाती थी, और वे बेटियां फिर अपने उन कुल देवताओं को अपने ससुराल के कुल देवताओं के साथ ही प्रतिष्ठित कर देती थी और उनकी पूजा भी करती थी। और इसलिए एक ही गाँव के, एक ही कुल के लोगों के पार्क कई कुल देवता भिन्न भिन्न हो जाने का यही कारण है, क्योंकि वे बेटियां अपने ससुराल में अपने माता पिता के सौंपे कुल देवता की पूजा भी करने लग जाती थी और धीरे धीरे वही प्राथमिकता जगह पा लेते थे और वे उन्हें कुल देवता मान लेती थी। इतना अगाध प्रेम था अपने कुल देवताओं से। परंतु आज शहरों में पलायन कर चुके लोगों के साथ ही गाँव में रह रहे लोग भी अपने कुल व इष्ट देवी देवताओं को भूल चुके हैं। शहरों के बाबाओं के वे पूजा कर रहे हैं परंतु अपने इष्ट देव का स्मरण तक नहीं करते। यदि अपने कुल देवता, लोक देवता और ग्राम देवता आदि को पूरी तरह से भूल जाओगे तो फिर हिमालय की संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। ग्रीक धर्म यानी प्राचीन यूनान का धर्म, मेसोपोटामिया यानी प्राचीन इराक का धर्म तथा बेबीलोनिया की तरह हो जाएगा। ग्रीक प्राचीन यूनान का सबसे मुख्य और राजधर्म था। ये एक मूर्ति पूजक और बहुदेवतावादी धर्म था। ईसाई धर्म के राजधर्म बनने के बाद ईसाइयों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके देवी देवताओं को शैतान करार कर दिया था। इसके बाद ये देवी देवता लुप्त हो गए। इस धर्म में कवि देवता थे, इनमें ज्यूस, देवराज, डायोनाइसस, अपोलो, इरोस, इरीस, हर्मीस, हेडीज प्रमुख थे। उनकी प्रमुख देवियाँ हीरा, अथीना, डिमीटर, हेस्टिया आदि थी। इसी तरह मेसोपोटामिया यानी प्राचीन इराक में भी लोग देवताओं की पूजा करते थे। बेबीलोनिया के लोग भी बहुदेववादी थे और उनके देवताओं की संख्या 65,000 थी। वे सुमेरिया सभ्यता के काफी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अनु यानी आकाश का देवता, शमश यानी सूर्य, नन यानी चंद्रमा, बेल यानी पृथ्वी, निनगल यानी चंद्रमा की पत्नी तथा एनलिन, इस्तर और मार्डुक आदि थे। ये सुमेर लोगों के भी देवताओं को पूजते थे, देवी देवताओं के उनके पुजारी भी होते थे, परंतु इस्लाम आने के बाद यह सब कुछ खत्म हो गया। परंतु उत्तराखंड के लोगों साथ ऐसा तो नहीं है, कोई वहाँ नया धर्म आया नहीं, आया ना कुछ हुआ, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों अपने कुल देवताओं को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उनकी पूजा बंद कर दी है। आप उत्तराखंड समेत हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर यह बताना आवश्यक कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल समेत पूरे हिमालय क्षेत्रों के लोगों के देवी देवता शब्द की वही संकल्पना
नहीं है जो कि भारत के अन्य प्रांतों में है। अन्य समाजों में वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं की पूजा होती है। इन देवताओं का परंपरागत इतिहास है और उनकी पूजा पद्धति भी। दूसरी उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तथा परिवार के अपने अपने देवी देवता होते हैं जो कि उनके दुख सुख से लेकर सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के अभिन्न अंग होते हैं। यह कह सकते हैं कि पहाड़ में वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं का स्थान स्थानीय देवताओं के समक्ष गौण रहा है। यहाँ वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं के मंदिर भी बहुत बाद में बने। वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं के परंपरागत एवं पर्व विशेष पर श्रद्धा के साथ पूजा होती है। लोगों के दैनिक जीवन व व्यवहार में उनका कोई खास महत्व तो नहीं होता। ये वैदिक देवता पौराणिक देवता न तो इनके उपेक्षा किए जाने से उन्हें सुख या दुख या उनसे विपत्ति या संकट में वो किसी व्यक्ति को डाल सकते हैं और न कोई वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूसरी ओर स्थानीय देवता यह दोनों ही कार्य करने में पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। सदियों से मान्यता रही है कि ये कुल या ग्राम देवता अपनी अवहेलना करने पर उनकी नियमित पूजा व आराधना नहीं करने पर नाराज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और मनुष्य को विपत्ति में डाल सकते हैं। दूसरी ओर नियमित पूजा अनुष्ठान से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। उनमें सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने की अलौकिक शक्ति होती है। लोग संस्कृत के मंत्रों के बजाय अपनी बोली भाषा में भगवान से संवाद कर सकते हैं, उनके जागर लगाकर उन्हें किसी पर भी अवतरित करा सकते हैं और इन देवी देवताओं के विशेष मंदिर भी नहीं होते। कुछ स्थानों पर त्रिशूल गाड़ कर या पत्थर लगाकर उनका थान बना दिया जाता है। प्रकृति से जो कुछ वस्तु जैसे भी फूल पत्तियां उनको मिलती रही हैं उसे ही श्रद्धा भाव से भगवान को भेंट कर दिया जाता रहा है। कुछ देवता ऐसे अवश्य रहे जिन्हें बलि दी जाती थी। उत्तराखंड के लोक देवी देवताओं की कई श्रेणियां हैं। एक है कुल देवता या इष्ट देवता जिनको एक कुल या थूक के लोग पूजते हैं। दूसरे ग्राम देवता जिन्हें पूरा गाँव पूजता है। ये कोई देवता है जो कि लोक देवता हैं, उन्हें समाज का बड़ा हिस्सा पूजता है। उत्तराखंड में अनगिनत स्थानीय और लोक देवी देवता हैं। माना जाता है कि प्राचीन देवता यहाँ के प्राचीन निवासियों कोल किरात खस आदि के समय से पूजे जाते रहे हैं। इनमें नागराज घंडियाल नरसिंह भूमिया या भूमियाल भैरव भद्राज और महासु जाग देवता यक्ष घिंडियाल सौदार नगेला आदि देवता विशेष स्थान रखते हैं। ये देवी देवता उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाते हैं। भगवान शिव और शक्ति के उपासक होने के बावजूद यहाँ के लोगों में लोक देवताओं की पूजा की एक समृद्ध परंपरा रही है। देवियों में नंदा देवी राजराजेश्वरी झालीमारी देवी अनसुया देवी दीवा देवी कालिंका ज्वालपा सुरकंडा नैना भद्रकाली बाराही आदि प्रमुख हैं। इनको अब माँ भक्ति के स्वरूप के तौर पर ही पूजा जाने लगा है। इसी तरह गोलू देवता एड़ी देवता भैरव आदि देवताओं के कई मंदिर भी हैं। उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में भूमिया या भूमाल देवता होता है, वे गांव के रक्षक होते हैं। क्षेत्रपाल के तौर पर भी लोग देवता हैं। नागों की पूजा तो कश्मीर से लेकर नेपाल तक पूरे हिमालय क्षेत्र में मिलती है। यहाँ नाग भी पूजे जाते हैं। नेपाल के खस मस्तो देवता की पूजा भी करते हैं, वे उनके लोक देवता हैं। ग्वालिया देवता ग्वालों एवं पशुचारकों खड़पत्या सौदार पथिकों के रक्षक देवता हैं। जनसार क्षेत्र में पूजे जाने वाले महासु देवता न्याय के देवता हैं और महासु देवता चार भाई हैं। उनका मुख्य मंदिर हलोल चक्रौता में स्थित है। कुछ देवता ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे लोगों को आवाज लगाकर आपदाओं से बचने के लिए सतर्क करते थे। इनमें लहसडोन क्षेत्र के ताड़केश्वर महादेव प्रमुख हैं। ये लोक देवता से या भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड में लोक देवता या पारिवारिक देवताओं में नरसिंह देवता विष्णु भगवान के अवतार के रूप में नहीं पूजे जाते हैं। वे एक नागपंथी जोगी हैं। उनके जागरों में उनके 52 वीरों और 9 रूपों का वर्णन किया जाता है। सबसे बड़े दुधिया नरसिंह है और सबसे छोटे डोनिया नरसिंह। दुधिया नरसिंह दूध रोट अथवा श्रीफल से शांत होते हैं, उनकी उससे पूजा की जाती है। वे शांत प्रवृत्ति के देवता हैं। जबकि डोंडिया नरसिंह में बकरे की बलि की प्रथा रही है, वो रोटने पर कष्ट देते हैं। डोंडिया नरसिंह की तरह भैरव घी आदि ये अशांत देवता हैं। गढ़वाल का समाज उत्तर दिशाधिपति यक्षराज कुबेर को भी अपना संरक्षक मानता रहा है। सीमांतक ग्राम माणा में मणिभद्र यक्ष की पूजा होती रही है। पर्वत शिखरों पर घंडियाल या घंटाकर्ण यक्ष की पूजा होती थी।
टिहरी गढ़वाल की धार अक्रिया पट्टी में घंटाकर्ण शिखर पर घंटाकर्ण का स्थान है। मार्ग शीर्ष से फाल्गुन तक चलने वाली घंटाकर्ण की जात में उनके साथ उनके भाई लाटू तथा हीत भी चलते हैं। पौड़ी के निकटवर्ती ग्रामों का भूमिया क्षेत्रफल कंडल यक्ष ही है और बाद में यही अपभ्रंश रूप में कंडिया लिया या कंडोलिया हो गया है। इसी तरह यहाँ वीर पुरुषों की पूजा होती रही है। इनमें पांडव, कतियुरा राजा धामदेव आदि प्रमुख हैं। नाग संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ, गुरु सत्यनाथ, नागनाथ के अलावा कतियुरी रानी, जिया रानी और इस वीरांगना तीरू रौतेली आदि शामिल हैं। इसी क्रम में कुमाऊं में गल्ला या गोलू देवता, भोलानाथ, सैमदेव, कैलबिष्ट, हवादार, कलवा, हरू, सिधवा, विधवा, गंगनाथ, मलयनाथ आदि भी शामिल हैं। इनमें वे कुछ वे लोग हैं जो अपने कर्मों से देवत्व का स्थान पा गए थे। इनके साथ ही अपने पितरों यानी पुरखों को भी पूजने की परंपरा रही है। पितृ पूजा भी लोगों के जीवन का एक यहाँ अभिन्न अंग रहा है। गांव में समिंडी परिवारों की अपनी अपनी पितृकूड़ी होती थी, वैसे पितृकूड़ी की परंपरा सभी खसपा समाजों में रही है। नेपाल में यह परंपरा आज भी कायम है। इसके अलावा यह भी लोग विश्वास रहा है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त बालक युवा युवतियों की आत्माएं भूत पिशाच व आंचरी बन जाती हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त आत्माएं पर्वत शिखरों, नदी तटों तथा अंधेरी सुनसान घाटियों में घूमा करती हैं और उनके संपर्क में आते लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसे लोग इनकी भी पूजा करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। अंत में यही कहना कि यहाँ का कोई पर्वत शिखर या पहाड़ी चोटियां, नदी या गाढ़ गधेरा नदी नाला ऐसा नहीं है जहाँ देवी देवता का आवास न हो। प्रकृति के साथ रहे लोगों ने प्रकृति के स्वरूप को ही लोभ देवता के रूप में पूजा की थी, परंतु आज यह सब छूट रहा है, यह चिंता का विषय है। पहले लोक देवता, इष्ट देवता आदि की तय समय में ये पूजा अवश्य होती थी या साल में दो साल में ऐसी कोई समय होता था उसमें इनकी पूजा हो जाती थी। और इसी तरह देवताओं के जागर भी, जो लोक देवता थे उनके जागर भी लगाकर उनको संतुष्ट किया जाता था, उनका पूजन किया जाता था। लेकिन अब यह सब परंपराएं खत्म हो गई हैं। यहाँ तक कि जो गांव में रह रहे लोग भी हैं वे भी अब वैदिक और पौराणिक देवताओं की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, वहाँ इनके मंदिर ज़्यादा बन रहे हैं। और यह भी देखने की बात है कि उत्तराखंड की खंडी समाज भी उन लोगों के और उन बाबाओं के चक्कर में ज़्यादा पड़ गया है जो अंततः जेल चले जाते हैं, और वे इनके उसमें संगत में तो अवश्य जाते हैं लेकिन वे किसी भी तरह के अपने लोक देवताओं, इष्ट देवताओं को पूजा नहीं करते। यह एक दुखद सवाल है, इस पर सोचा जाना चाहिए। तो यह थी उत्तराखंड के लोक देवी देवताओं की गाथा, और अब मैं इन लोक देवी देवताओं पर एक पूरी सीरीज लाऊंगा। प्रमुख जो भी देवी देवता हैं उन पर कोशिश रहेगी कि उन पर एक एक वीडियो बने। और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।